हाँ जी, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि दीदी हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डेट शीट भी आ गई है लेकिन फिर भी हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप बताओ हम करें क्या, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब मेन मोमेंट पर आकर भी हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो यार उन सब बच्चों से मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि अब क्यों मन नहीं कर रहा है, मतलब अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, मुझे नहीं पता यार। मतलब मैं जब तुम्हारी सिचुएशन पे थी ना तो मेरे साथ भी यही सारी बातें हो रही थी। और पता है हम पढ़ाई करने से क्यों कतराते हैं, हमारा मन क्यों नहीं करता, सिर्फ दो ही रीजंस होते हैं। पहला रीज़न कि हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि अब डेट शीट भी अनाउंस हो गई है, पता नहीं टॉपर्स कितना पढ़ रहे होंगे, जो टॉप करने वाला है तुमको नहीं पता यार कितना, कौन टॉप करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है वो कितना भी पढ़ रहे होंगे लेकिन तुम अपने ऊपर फोकस करो कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट उसको तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये फियर तो अपने दिमाग से निकाल दो कि बाकी के लोग पता नहीं कितना पढ़ चुके होंगे और तुमने नहीं पढ़ा, अब तक स्टार्ट नहीं किया, कैसे स्टार्ट करें। या स्टार्ट करने के लिए सिर्फ स्टार्ट करना ज़रूरी होता है और मन में कुछ ऐसा नहीं होता, कोई तुम्हारे ऊपर जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला कि ठीक है चलो आज तो पढ़ने बैठ गए तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। राइट रिसोर्सेज पकड़ो, पढ़ने बैठ जाओ, कोई उपाय नहीं है इसका, अल्टरनेट वे कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी जगह थी तो मैंने भी यही किया था यार, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब कुछ मतलब सोचो ही मत कि कौन टॉप करने वाला कौन नहीं, तुम्हारी क्लास का टॉपर जो चाहे होगा, तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस तुम्हारा यही मकसद होना चाहिए। अपने आप को आज से एक रूम में बंद कर लो किताबों के साथ में, पढ़ते जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, काफ़ी बच्चों के मन में रिग्रेट रह जाता है कि भाई इतने सारे महीने हमने बर्बाद कर दिए, इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया तो अब तो फिर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट के टाइम पर हम क्या ही उखाड़ लेंगे। यार लास्ट के टाइम पर ही बहुत सारे बच्चे उखाड़ के ले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम बस बैठे रह जाओगे और यही सोचते रह जाओगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। स्टार्ट कर रो यार, मतलब जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अब तो ज़रूरत आ गई है मतलब हमें करने की, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो। और देखो यार राइट रिसोर्सेज को मैं बताती हूँ, चुपचाप अपनी स्टडी टेबल पे जाओ अभी के अभी तुरंत, अगर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे तो चुपचाप जाओ और वहाँ पर जाके अपने रिसोर्सेज खोल लो, रिसोर्सेज बुक जो भी तुम्हारे पास है स्टडी रिसोर्स, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़ो। और साथ में एक बुक और रेकमेंड कर देती हूँ, ओसवाल बुक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यार, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है तो इस टाइम पे हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो एक एलएमपी है, मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बुक है, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। ये वाली किताब बहुत हेल्पफुल है, माइंड मैप सारे गिवन है और न्यूमोनिक सारे गिवन है और हर एक चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में निपटाया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, सबके लिए एक कॉमन बुक आएगी, उसके अंदर हर एक चैप्टर को 3 से 4 पेजेस में निपटा रखा है। तो वो चीज़ खरीद सकते हो यार, बुक खरीद सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। और बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कोई भी एक्सक्यूजेस, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तो मतलब होना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब आई होप सो कि तुम अब स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई करना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड यस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। बाय।